हेलो फ्रेंड्स, डीआर एक्सपर्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं सर्टिफाइड फार्मासिस्ट। आज हम फिर से आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे कुछ लोग डीआरएक्स लगाते हैं। आखिर ये डीआरएक्स है क्या, इसका मतलब क्या होता है और किन्हें लगाना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से इसको पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक ताकि आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एक स्टूडेंट MBBS, BAMS और BHMS इत्यादि की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो वह अपने नाम के आगे DR लगाने लगता है, जबकि ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि यह केवल चिकित्सकीय बैचलर डिग्री है। सिर्फ चिकित्सकीय व्यवसाय के चलते इन डिग्रियों के धारक स्वयं को डॉक्टर लिखते हैं। अब क्वेश्चन आता है, DR यानी डॉक्टर किन्हें लिखना चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे PhD करने के बाद नेम के आगे डॉक्टर लिखने की पात्रता है, वैसे ही चिकित्सकीय शिक्षा MD करने के बाद व्यक्ति अपने नाम के आगे DR यानी डॉक्टर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई मेडिकल स्टूडेंट B.Pharm, D.Pharm या फिर M.Pharm की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसे भी अधिकार मिलना चाहिए अपने नाम के आगे कुछ उपसर्ग लगाने का। जबकि PCI मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। अब दोस्तों, मेडिकल की पढ़ाई तो दोनों लोगों ने की है, अधिकार भी दोनों लोगों को समान मिलना चाहिए। किसी ने बड़ी डिग्री ली है तो किसी ने छोटी डिग्री ली है, डिग्रियां तो दोनों के पास है और पढ़ाई भी मेडिकल की है। इन्हीं अधिकार को प्राप्त करने के लिए सभी फार्मासिस्ट अपने नाम के आगे DRX लिखने का फैसला लिए, और ये फैसला तब से लिया गया है जब से मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने फार्मेसी एक्ट 2015 के तहत सारे फार्मासिस्ट को नैदानिक फार्मेसी अभ्यास करने की अनुमति दी थी। मतलब इसका ये हुआ कि फार्मासिस्ट भी अपना क्लिनिक खोलकर उपचार कर सकता है। यहाँ पर DRX का मतलब होता है ड्रग एक्सपर्ट, यानी दवा का विशेषज्ञ। कुछ लोग अपने नाम से पहले RPS लगा रखे हैं, जहां R का मतलब रजिस्टर्ड और PH का मतलब फार्मासिस्ट होता है। तो दोस्तों, ये थी ड्रग एक्सपर्ट और उससे संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए DR एक्सपर्ट नॉलेज। धन्यवाद।